कुमार विश्वास ने भारतीय जनता पार्टी में जाने की खबरों का खंडन किया है। बीजेपी में जाने की खबरों को लेकर के तंज कसा है। कुमार विश्वास ने ट्वीट करके बीजेपी ज्वाइन करने की खबरों का जवाब दिया है। कुमार विश्वास ने ट्वीट किया, अप्रवासी भारतीयों के एक समारोह के लिए प्रदेश दोहा कतर में हूं, यहीं से ज्वाइन कर लूं, तुम कहो तो। इस खबर का रिपीट अलार्म लगा करके हफ्ते चला लिया करो यार, क्यों बार बार उंगलियों को कष्ट देते हो। तो कुमार विश्वास ने कुछ इस किस्म से सटायर किया अपने शब्दों के माध्यम से, अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए। उन्होंने फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की खबरों का खंडन इस अंदाज में किया है। हालांकि अभी पूरे तौर पर साफ नहीं है कि कुमार विश्वास बीजेपी ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन उनके ट्विटर में, ट्विटर हैंडल के जरिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, उससे ऐसा लग रहा है कि फिलहाल कुमार विश्वास बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे। वो लिखते हैं कि अप्रवासी भारतीयों के एक समारोह के लिए प्रदेश यानी कि दोहा कतर में हूं, यहीं से ज्वाइन कर लूं अगर तुम कहो तो। उन्होंने मीडिया पर कटाक्ष किया, इस खबर का रिपीट अलार्म लगा करके हफ्ते चला लिया करो, क्यों बार बार उंगलियों को कष्ट देते हो। हालांकि इस ट्विटर के माध्यम से कुमार विश्वास ने कहीं ये साफ नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन सटायर जरूर किया। ऐसा लगा कि झिझलाहट में उन्होंने ये सटायर या कटाक्ष मीडिया के ऊपर में किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बार बार उंगलियों को कष्ट क्यों देते हो, इसी खबर को रिपीट अलार्म के साथ में हफ्ते चला लिया करो। हालांकि इस तरफ माना यह जा रहा था कि कुमार विश्वास अब से थोड़ी देर के बाद में भारतीय जनता पार्टी के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात का अनाउंसमेंट किया जाएगा कि कुमार विश्वास उनकी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, मगर फिलहाल कुमार विश्वास का ये ट्वीट ये दर्शाता है कि अभी स्थिति साफ नहीं है।